नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कहां से हुई थी शुरुआत राखी, मतलब हम रक्षाबंधन सबको बांधते हैं। तो मैं तो ये भूलना आपको बताना भूल गया था कि आज रक्षाबंधन है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन कैसे बनती है, मतलब कैसे बनी थी। लेकिन मैं आपको ये, मुझे ये नहीं मालूम कि किस डेट पे हुआ था ये सब, इसलिए मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। तो चलो अब मैं बताता हूँ आपको। तो एक बार कृष्ण जी की सुदर्शन चक्र से मतलब हाथ या फिर उंगली में लग गई थी या फिर उंगली कट गई थी। तो फिर क्या हुआ था, फिर कृष्ण जी, तो फिर द्रौपदी जी उनके साथ थी। तो फिर उनने देखा कि इनके तो खून आ रहा है, तो उनने जल्दी से एक अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और उन पे वो बना दिया। तो अब कृष्ण जी कहने लगे कि अब मैं इस दुपट्टे को मैं राखी मानूंगा। जब से सब लोग राखी कहते हैं, जो राखी होती ना उसको हम इसलिए राखी कहते हैं। तो अब फिर हुआ, अब फिर आई बात क्यों बनाते हैं। तो फिर एक बार कौर मतलब, तो फिर वो ये कहने लगे कि मैं अब तुम्हें अपनी बहन मानूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारी रक्षा करूंगा। तो फिर अब कौरव लोग आए और द्रौपदी जी की साड़ी खींचने लगे। उसके बाद द्रौपदी जी की जैसे ही साड़ी खींचने लगे, तो फिर अब आया गुस्सा। कृष्ण जी को भी तो गुस्सा आया। अब फिर उनने इतनी लंबी कर दी उनकी साड़ी, इतनी लंबी कर दी कि जो कौरव लोग आए थे वो लोग खींचते रह गए साड़ी को, लेकिन साड़ी कभी ख़त्म ही नहीं हुई खींच खींच के। तो फिर कौरव लोग तो चले गए, इसलिए हम रक्षाबंधन मानते हैं। जो उनका बांधा था पट्टी यहाँ उंगली पे तो वो ही तो राखी है, इसलिए हम राखी मानने लगे हैं। तो हैप्पी रक्षाबंधन सभीओं को। अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, हैप्पी रक्षाबंधन। मेरी छोटी बुआ और बड़ी बुआ हैं, उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन। और मेरी चार बहने हैं, एक जिम्मी है रिमझे में और एक मनु दीदी हैं और तनु दीदी हैं, उनको भी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। और बस, तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी को।